तो अशोक सज्जनहार साहब, ये रशिया की तरफ से क्या बताने की कोशिश हो रही है ऐसे वक्त में जब लगातार दुनिया के शक्तिशाली देश अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, G7 मुल्क हो, वो लगातार ये कह रहे हैं कि रशिया अटैक कर सकता है। रशिया कह रहा है हम तो अपने नागरिकों की सेफ्टी के लिए कर रहे हैं सब। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं समीर, क्योंकि शुरुआत से अगर आप देखें 23 दिसंबर को राष्ट्रपति पुतिन का एंड ऑफ द ईयर प्रेस कॉन्फ्रेंस था और उसमें उन्होंने बिल्कुल सटीक शब्दों में कहा था जो हमारा कोई इरादा नहीं है यूक्रेन के ऊपर अटैक करने का। देखिए, अगर कोई स्ट्रेटेजिकली इसको सोचे भी सही तो वो यूक्रेन के ऊपर अटैक करके क्या पाएंगे, क्या चाहेंगे, क्या उसके ऊपर वो कंट्रोल कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आजकल तो हम देखते हैं अगर अमेरिका अफगानिस्तान में कंट्रोल नहीं कर पाया, उसकी इतनी सेना थी, 1,40,000 उसके सैनिक थे, रूस भी यहां पर अगर आ जाता है तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वहां पर भी इंसर्जेंसी होगी, गुरिल्ला वॉरफेयर होगा। रूस जो करना चाहता है वो दबाव डालना चाहता है जिससे कि उसको अपनी सिक्योरिटी, अपनी सुरक्षा के लिए गारंटीज मिले और ये गारंटी मिले जो यूक्रेन को, जॉर्जिया को, मोल्डोवा को, इनको कभी नेटो का सदस्य नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि अगर ये नेटो के सदस्य बन जाते हैं तो मतलब नेटो बिल्कुल रूस की सीमा तक आ जाता है जो कि उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है। अब रूस ने देखा है पिछले 3 सदियों में, चाहे वो 19वीं सदी, 20वीं सदी, 18वीं सदी, हमेशा वहां से पश्चिम की तरफ से उसके ऊपर हमला हुआ है, चाहे नेपोलियन की तरफ से हुआ हो, हिटलर की तरफ से। लेकिन मोल्डोवा का आपने जिक्र किया अशोक सज्जनहार साहब, आज ही रशियन मीडिया में ये खबर भी चल रही है कि मोल्डोवा पर भी अटैक हो सकता है। आपके हिसाब से ये मुमकिन नहीं है? आसार ऐसे नहीं लगते आपको? देखिए, मैं ये कहूंगा समीर जी, जो अगर अभी जो सारे कार्ड्स जिसे मैं कहूँ हाँ। वो सब पुतिन के हाथ में हैं। अगर उन्होंने पहली बार ये अगर वहां पर हमला कर दिया चाहे यूक्रेन में या मोल्डोवा में, तो मतलब ही हैज लेफ्ट द इनिशिएटिव। अभी तक बहुत ब्यूटीफुली ये सभी प्रोसेस को पुतिन डायरेक्ट कर रहे हैं, इसको कोरियोग्राफ कर रहे हैं। अगर उन्होंने वहां पर जंग छेड़ दी तब तो देखिए लाजमी हो जाएगा नेटो पर जो वो यूक्रेन को भी और मोल्डोवा को भी अपना सदस्य बनाए, और यही सबसे बड़ी जो डिमांड है पुतिन की वो यही है जो उनको सदस्यता नहीं दी जाए। मेरे विचार से उन्होंने रेड लाइन ड्रॉ कर दी है, पुतिन ने मैसेज चला गया है अमेरिका के पास, नेटो के पास, आगे चलते हुए शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में तो इन देशों को नेटो की सदस्यता नहीं मिलने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे में बहुत अहम होगा आज जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से बयान जारी किया जाएगा। वो देश के सामने आएंगे, दुनिया के सामने आएंगे और रूस का क्या पक्ष है वो रखेंगे, उस पर भी सबकी नजरें होंगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।